व्याकरण में ही अर्थालंकार, जैसा कि इसके पहले हम पढ़ चुके थे कि अर्थालंकार के दो भेद होते हैं, पहला शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार। तो शब्दालंकार के तीन भेद हम पढ़ चुके हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। आज हम पढ़ेंगे अर्थालंकार के बारे में। तो अर्थालंकार की व्याख्या भी मैं आप सब लोगों को हमारे पहली वीडियो में बता चुकी हूँ। आज हम पढ़ेंगे कि अर्थालंकार के जो प्रकार हैं वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो अर्थालंकार के सबसे पहला प्रकार है उपमा अलंकार, जो अर्थालंकार में ही आता है। तो उपमा अलंकार के बारे में हम पढ़ेंगे। तो उपमा अलंकार हम कहते किसे हैं, तो इसकी व्याख्या दी गई है, जहां कोई दो वस्तु हो, कितनी वस्तु हो, दो हो या दो से अधिक हो, लेकिन एक नहीं होनी चाहिए, जहां दो वस्तु हो उन दो वस्तुओं की एक दूसरे के साथ तुलना की गई हो, अथवा तुलना में किसकी कोई गुण, आकृति या स्वभाव, इन सभी चीजों में समानता दिखाई दिया हो, ठीक है। कोई दो वस्तु हो, उन दो वस्तुओं की एक दूसरे के साथ तुलना की गई हो, या तो आकृति, गुण या स्वभाव में किसी न किसी प्रकार का समानता बताया जाए, तो वहां पे उपमा अलंकार होता है, या उसे हम उपमा अलंकार कहते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण है, हरि पद कोमल कमल। अब देखिए यहाँ पे गुण, आकृति और स्वभाव, आकृति तो हम देख नहीं सकते, स्वभाव इसमें आएगा नहीं, तो जो गुण है कोमल कैसा होता है, कमल, कमल कैसा होता है, कोमल, मतलब कि कमल का गुण क्या है, कोमल। तो ये जो कमल का गुण है ये कोमल, ये क्या है, ये। और जो हरि का पद या हरि का जो चरण है, पद मीन्स क्या, चरण, तो जो हरि का चरण है वो भी कोमल है, और जो कमल का फूल है वो भी कोमल है। मतलब कि हरि के पद की तुलना कमल के साथ में की जा रही है, मतलब दो वस्तु की तुलना भी कर दी गई और इसमें ये गुण भी इसमें आ गया, तो ये क्या कहलाएगा, उपमा अलंकार कहलाएगा, ठीक है। तो उपमा अलंकार के इसी तरीके से चार भेद हैं, ये पहला उपमा, दूसरा उपमान, सॉरी उपमेय, उपमेय, दूसरा उपमान, तीसरा साधारण धर्म और चौथा वाचक। अगर जब जहां पर आपको ये उपमा अलंकार पढ़ने को मिलेगा वहां पर आपको ये चारों चीजें समझ में आनी चाहिए, या आपको आपको पता होना चाहिए कि उपमा के अंदर में ये चारों भेद हमें देखने को मिलते हैं या हमें समझना जरूरी है। तो देखिए उपमा में पहला है उपमेय, दूसरा है उपमान, तीसरा है साधारण धर्म और चौथा है वाचक। तो अब आप सब लोग सोच रहे होंगे कि उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको भी ये व्याख्या बताई, उसी व्याख्या के आधार पर हम ये उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक की व्याख्या भी पढ़ेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए उपमेय, उपमेय हम किसे कहते हैं, जिसके साथ तुलना की जा रही हो, किसके साथ, जिसके साथ तुलना की जाए उसे हम उपमा अलंकार कहते हैं। देखो मुख चंद्रमा सा सुंदर है, जिसके साथ तुलना की जाए, किसके साथ तुलना कर रहे हैं हम, मुख की तुलना हम चंद्रमा के साथ कर रहे हैं। सेकंड उपमान, जिसकी तुलना की गई हो तो उसे हम उपमान कहते हैं, तुलना किसकी की है हम, मुख की, मतलब मुख क्या है, उपमान है। देखो जिसकी तुलना की गई हो तो उसे उपमान अलंकार कहते हैं, हमने किसकी तुलना की, मुख की, तो मुख क्या है, उपमान। जिसके साथ तुलना की, किसके साथ तुलना की, चंद्रमा के साथ तुलना की, तो चंद्रमा क्या है, उपमेय, ये चंद्रमा क्या है, उपमेय। जिसके साथ तुलना की जाए उसे उपमा अलंकार, उपमेय अलंकार कहते हैं, क्या कहते हैं, उपमेय अलंकार। तो चंद्रमा उपमेय है, उपमान जिसकी तुलना की गई हो, हमने मुख की तुलना की इसलिए मुख क्या है, उपमान है। और उसके बाद में साधारण धर्म, साधारण धर्म मतलब ये होता है कि जो उपमेय और उपमान में दोनों क्या हो, समान हो, समानता दिखाई दे। तो समान क्या है, सुंदर, मुख भी कैसा है, सुंदर, और चंद्रमा भी कैसा है, सुंदर, मतलब कि सुंदर क्या है, हमारा साधारण धर्म है, क्या है, साधारण धर्म। उपमेय और उपमान में जो समान हो उसे हम क्या कहते हैं, साधारण धर्म। तो समान क्या है, सुंदर, तो ये सुंदर हमारा क्या हो जाएगा, साधारण धर्म। और वाचक मतलब कि इन सभी वाक्यों को जोड़ने के लिए जहां पे सा, से जैसे शब्द आते हो तो वो क्या कहलाता है, वाचक कहलाता है, मतलब ये जुस्सा है, ये क्या है, हमारा वाचक है। इस तरीके से हम उपमा जो अलंकार है, अर्थालंकार का जो पहला प्रकार है उपमा, इसकी व्याख्या पढ़े, इसके हम चार भेद पढ़े, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक। तो विद्यार्थी मित्रों आई थिंक शायद आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।